एसबीआई के नतीजे ओवर द वीकेंड आने वाले हैं, नतीजे कैसे रह सकते हैं आइए उसके अनुमान एक बार हर्ष से समझते हैं, उसके बाद टेक्निकल चार्ट चेक करेंगे। हर्ष बताएं एसबीआई के नंबर से एक्सपेक्टेशंस क्या लगाई जाए। वेल एसबीआई के नेट इंटरेस्ट इनकम का जो नंबर है 33,500 करोड़ के आसपास 7.5% ग्रोथ दिखाता है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे एज वेल एज सिक्वेंशली, पर रियली जो नंबर जो मूव करेगा वो है अदर इनकम का नंबर। अदर इनकम का नंबर जस्ट बिलो 10,000 करोड़ आएगा, अराउंड 9,500 करोड़ ऑड आने की अपेक्षा है। 3x जंप जब हम सिक्वेंशली देखें तब, और वो लार्जली ऑन द बैक ऑफ वो ट्रेजरी लॉसेज जो Q1 में बुक हुए थे वो ये पर्टिकुलर क्वार्टर में होंगे नहीं, और उसके वजह से ये पर्टिकुलर नंबर काफ़ी अच्छा आता हुआ ये पर्टिकुलर क्वार्टर में। और जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है उसके वजह से काफ़ी एलिवेटेड 22,000 करोड़ पे वो ऑपरेटिंग प्रॉफिट आने की अपेक्षा है, ऑलमोस्ट 22% ग्रोथ ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, और ऑफकोर्स 73% ग्रोथ सिक्वेंशली। जब हम प्रोविजन्स के नंबर को देखें 4,400 करोड़ पे प्रोविजन्स का नंबर था Q1 में, अब अराउंड 7,000 करोड़ के आसपास आने की अपेक्षा है उसके आसपास। और जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है 10,000 करोड़ से भी ज़्यादा 10,500 करोड़ पे वो पर्टिकुलर नंबर आने की अपेक्षा है, जो कि एक 38% ग्रोथ है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, लार्जली वेरी सॉलिड। जब हम एसेट क्वालिटी को देखें तो इम्प्रूविंग ट्रेंड्स दिखेगा, और जब हम ROAs को देखें अब 0.8% के आसपास वो ROA का नंबर आने की अपेक्षा है, तो सॉलिड नंबर वो भी। NIMS अराउंड 2.9% के आसपास एक्सपेक्टेड है, और क्रेडिट कॉस्ट अराउंड 1%, तो लार्जली काफ़ी स्टेबल क्वार्टर SBI से डिलीवर होने की अपेक्षा है। जब हम बैलेंस शीट साइड को देखें एडवांसेस ग्रोथ एक्सपेक्टेड अराउंड 18.5%+ ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, 29 लाख करोड़ के आसपास वो नंबर, और जो डिपॉजिट का नंबर है अराउंड 41.5 लाख करोड़ पे वो डिपॉजिट का नंबर आएगा, जो कि एक 9% ग्रोथ है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, अराउंड 2.5%+ सिक्वेंशली। लार्जली एक सॉलिड सेट ऑफ नंबर्स एक्सपेक्टेड है SBI से कल। ठीक है, तो हर्ष आपको सारे नंबर बता रहे थे और बार बार ये कह रहे थे कि अपेक्षा है, इसी अपेक्षा है, वो अपेक्षा का मतलब वो उम्मीद बता रहे हैं कि ये उम्मीद है, इस बार ये उम्मीद है। एक्चुअली मैं उनके साथ वाली बगल वाली सीट में अपेक्षा बैठती हैं, तो इसलिए अपेक्षा और उम्मीद एक सिनोनिम्स ही हैं, इसलिए वो बार बार अपेक्षा बता रहे हैं। उम्मीद है वो जो नंबर्स के अंदर आपको दिख रही है, जो हर्ष आपको बार बार बता रहे थे, लेकिन हमारी भी ये उम्मीद है कि SBI अगर यहाँ से चला हुआ है तो क्या कहीं प्रॉफिट बुकिंग तो नहीं आ जाएगी, जो अभी थोड़ी देर पहले अजय भी नोटिस करा रहे थे कि चला हुआ शेयर्स के अंदर बहुत अच्छा कुछ करना होगा तभी और चलेगा। डिब्बी आप जो मैं कह रहा था कि 520 वाला 590 हुआ है एक महीने में रिजल्ट्स के पहले, तो अगर अच्छा आ भी गया तो तब बाजार ये देखेगा कि एक्सटेंट ऑफ बीट कितना है। अगर भारी बीट है, मार्जिन से बहुत बड़े मार्जिन से बीट है, तो फॉलो अप बाइंग आएगी 600 के पार। अगर अच्छे की उम्मीद पे अच्छा आया, धमाकेदार की उम्मीद पे धमाकेदार, तो बाजार की उम्मीद के बराबर है, तो वहां से प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है, 20-25 रुपए गिर सकता है। तो एक्सपेक्टेशन तो से भी आपको फर्म करना पड़ेगा, फंस ना जाए आप, तो पॉइंट ये। हाँ, आप किससे पूछ रहे थे ये सवाल डिम्पी, ब्रजेश या राजेश? मैं ये राजेश जी से सवाल पूछ रहा था, ये हाँ राजेश जी के ही कंधों पर हम डाल देते हैं बोझ। राजेश जी आप अपने मजबूत कंधों से बताइए अभी हमको करना क्या है SBI के अंदर। या तो हम ऑप्शंस में बदल दें, एक तरीका तो ये हो सकता है, या तो प्रॉफिट बुक कर लें, लेते ही नहीं रिस्क, झंझट ही खत्म, या तो फिर तरीका ये है कि भाई ठीक है देखी जाएगी जो होगी पोजिशन आधी कर लेते हैं। जी SBI में रिस्क लेना ही चाहिए, काफ़ी स्ट्रांग स्ट्रक्चर है और जिस तरीके के सेटअप बने हैं ये स्टॉक में 600 के लेवल बिल्कुल क्रॉस होते हुए दिख रहे हैं। एक अगर PSU स्टॉक में देखें तो जितना स्टेबल इसका स्ट्रक्चर, अगर आप वीकली चार्ट देखेंगे तो अगर आप इसको लास्ट 2 साल के चार्ट को अगर आप एनालाइज करेंगे तो काफ़ी स्टेबल यहाँ पे एक अपमूव कंटिन्यू होते हुए दिखा, और जिस तरीके से सीरीज ऑफ हायर टॉप हायर बॉटम फॉर्मेशन यहाँ पे बने हैं, जब भी डिप मिली है तो 2-3 वीक का करेक्शन, उसके बाद वापस से एक रैली फिर करेक्शन, तो ये एक जो ट्रेंड यहाँ पे सेट हुआ है SBI का, ये स्टॉक में हमें तो लगता है इसके टारगेट 650-700 तक भी आगे आने वाले महीनों में देखने को मिलेंगे। तो रिजल्ट के पहले जरूर थोड़ा सा एक वो रहता है कि किस तरीके से ये स्टॉक रिजल्ट के बाद रिएक्ट करेगा, बट हमें लगता है कि सभी बैंक रिजल्ट काफी अच्छे रहे और SBI भी एक अच्छे नंबर ही डिलीवर करते हुए दिखना चाहिए। जिस तरीके से अभी स्ट्रक्चर है यहाँ पे स्टॉप लॉस तो हम यहाँ पे सजेस्ट करेंगे अगर फ्यूचर में या कैश में पोजीशन है जिनके पास, तो स्टॉप लॉस जो रहेगा वो रहेगा करीब 578 का, और अपसाइड में 620-630 तक की अपसाइड यहाँ पे आते हुए दिख सकती है। किसी को यहाँ पे कन्वर्ट करना है अपना पोजीशन या बुक करें, प्रॉफिट अगर ऑलरेडी है अच्छा प्रॉफिट में बैठे तो बुक करके 600 के कॉल में कन्वर्ट कर ले, 15 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है, स्टॉप लॉस इस कॉल ऑप्शन का रख ले करीब 9 रुपए का, और इस ऑप्शन के टारगेट आना चाहिए फिर करीब
₹28 से ₹30 तक के, तो आइदर आप ऑप्शन में भी शिफ्ट हो सकते हैं, लेकिन लॉन्ग साइड का ट्रेड अभी भी कैरी करना है।